हाँ तो मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं YouTube के कुछ ऐसे जुगाड़ बताऊंगा जिसकी मदद से तुम अपने YouTube को और भी ज़ोरदार तरीके से यूज कर पाओगे। तो वो क्या तरीका है मैं दिखाता हूँ। तो उसकी मदद से तुम अपने YouTube वीडियो को पॉपअप प्ले में चला सकते हो, मतलब कि आप अपने YouTube वीडियो को पॉपअप में भी चला सकते हो और अपने YouTube गानों को भी बैकग्राउंड में बजा सकते हो। और अगर आप चाहते हो अपने YouTube गानों में टाइमर लगाना तो आप वो भी कर पाओगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं अपने YouTube का ही कोई भी वीडियो को पॉपअप में चला के दिखाता हूँ आपको। तो मैं अपने इस वीडियो को ले लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा ये वीडियो प्ले हो गया है। और इसे पॉपअप में चालू करने के लिए मैं सिंपली बीच में स्वाइप करूँगा और होम स्क्रीन पे आ जाऊँगा और ये मेरा वीडियो पॉपअप में चालू हो गया है। तो आप देख सकते हो ये मेरा वीडियो कितना आसानी से पॉपअप में चालू हो गया है। तो अगर आपको भी अपने यूट्यूब के वीडियो को पॉपअप प्ले में चलाना है तो आपको अपने प्ले स्टोर में आना है और वहाँ पर बहुत सारे VPN ऐप्स मिल जाएंगे आपको। वहाँ से आपको कोई सा भी VPN ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे पास आप देख सकते हो प्रोटोन VPN ऐप्स है, तो आप चाहे तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको VPN डाउनलोड करके उसे ओपन करके US सर्वर में कनेक्ट कर लेना है यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट में, उसके बाद आपको YouTube को ओपन करना है और वीडियो को प्ले करना है। उसके बाद जब आप मिनिमाइज करोगे, अपने होम स्क्रीन पे आओगे, तो YouTube का वीडियो अपने आप पॉपअप में ओपन हो जाएगा। और हाँ, इसके लिए तुम्हें कोई प्रीमियम वर्जन यूज नहीं करना पड़ेगा। बिना प्रीमियम यूज किए आप अपने YouTube वीडियो को ऐसे चला सकते हैं। तो चलिए मैं अपने YouTube का दूसरा ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप अपने YouTube गानों को बैकग्राउंड में बजा सकते हो। तो चलिए मैं अपने इस वीडियो को ही ले लेता हूँ और इसे बैकग्राउंड में बजा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो लाल वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, इसे सबसे लास्ट में ले जाके छोड़ देना है। उसके बाद गाने को रोक देना है और ये फिर वीडियो को नीचे कर देना है आपको। उसके बाद आपको ये जो शॉर्ट वाला सेक्शन दिख रहा है, आपको शॉर्ट वीडियो को दो तीन देख लेना है। उसके बाद जब आप दो तीन शॉर्ट वीडियो देख लोगे, उसके बाद फिर से आपको पीछे आ जाना है, आपको अपने वीडियो पे बैक आ जाना है। उसके बाद जब आप बैक आ जाओगे, उसके बाद फिर से वीडियो को ऊपर ले जाके प्ले कर देना है। जहाँ से आपको गाने को सुनना है वहाँ पे लाके आपको ये लाल वाला पॉइंट छोड़ देना है और वीडियो को प्ले कर देना है। उसके बाद जब ये प्ले हो जाएगा, उसके बाद जब आप अपने वीडियो को मिनिमाइज करोगे, होम स्क्रीन पर आओगे, तो ये वीडियो बजता ही रहेगा आपके फ़ोन में, आप सुन सकते हो। तो अगर आपको YouTube के गानों पे टाइमर लगाना है, मतलब आप चाहते हो कि इतना टाइम में वो अपने आप YouTube मेरा बंद हो जाए, तो उसके लिए बस आपको अपने YouTube के सेटिंग में आना है। और YouTube के सेटिंग में आने के बाद आपको जनरल सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, रिमाइंड मी टू टेक ये ब्रेक, आप इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको जितना टाइम में आपने YouTube को बंद कर देना है, मतलब आप जितना टाइमर लगाना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक घंटे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक घंटे को सेलेक्ट करने के बाद हर एक घंटे में मेरा YouTube अपने आप रुक जाएगा। अगर मैं कुछ भी बजा के अपने YouTube पे छोड़ देता हूँ तो एक घंटे के बाद अपने आप वो रुक जाएगा। तो ये था YouTube के कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स। अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में।